हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार है। इन सब के बीच चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चला है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और इन आंकड़ों के आने के बाद दिलचस्पी यह बढ़ गई है कि भले ही एग्जिट पोल बता रहे हो कि महागठबंधन बिहार में आगे रहने वाला है, लेकिन क्या महिला वोटरों की वजह से नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण जी। विधायक हैं ये, इस बार फिर एक बार विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। मैम, ये जो आंकड़ा सामने आया है, आप खुद महिलाओं की राजनीति करती हैं, महिला नेत्री हैं, कैसे देखती हैं महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा? अब कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि हो सकता है महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के फेवर में गया हो, नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। देखिए, अब समय तो ज्यादा बचा नहीं, कल पता चल जाएगा कि किसके खिलाफ और किसके साथ है। महिलाएं बहुत ही ज्यादा परेशान थी चुनाव कैंपेन के दौरान। जब हम लोग घूम रहे थे, अगर बीच में जो आपदा आई थी हमारे ऊपर, तो सबसे ज्यादा परेशान महिला थी। उनके बेरोजगार बच्चे घर में बैठे हुए थे, या कोई बाहर मजदूर उनके पति या बच्चे काम कर रहे थे तो वो घर नहीं आ पा रहे थे, और इससे सबसे ज्यादा जूझने का महिलाओं को मिला था। तो एक मैं भी जब घर थी तो महिलाएं बोल रही थी बढ़ चढ़ करके हमारे साथ आने की। जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी जहां भी हम लोग घूम रहे थे, सरकार के खिलाफ आक्रोश था, गुस्सा था, और वो सरकार बदलने के लिए कमर कुछ। लेकिन महिला तो महिला बिहार में नीतीश कुमार के फेवर में मानी जाती थी, खासतौर पे जिस तरीके से शराबबंदी का फैसला किया नीतीश कुमार ने, माना जाता था कि इन फैसलों की वजह से महिलाओं की एक सिंपैथी है नीतीश कुमार को। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की, और उसमें हम लोग भी सरकार थे, सब लोगों ने पक्ष विपक्ष सबों ने साथ दिया था। लेकिन आप देखे होंगे कि शराबबंदी हुआ, ये बिल्कुल ही इससे और भी ज्यादा उस तबाही मचने लगी। कहाँ शराब नहीं मिल रही थी और दुगुने तिगुने दाम पे शराब मिल रही थी, तो शराबबंदी बस एक कह रहे थे शराब हर जगह मिल रही थी। लगता है कि महिला वोटरों ने भी महागठबंधन की तरफ ही रुख किया है जिस तरीके से। बिल्कुल शराब सरकार के खिलाफ गुस्सा था, और ये गुस्सा वोट में तब्दील हुआ महिलाओं का भी। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है, इसकी वजह से संभावना जताई जा रही थी कि ये नीतीश कुमार के पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो कह रही हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है तो वो वोट भी महागठबंधन को ही मिला होगा, क्योंकि महिलाएं भी उसी तरीके से सरकार से परेशान थी जिस तरीके से अन्य वोटर वर्ग। अब ऐसा है या नहीं, वास्तविकता क्या है, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना ही होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज पटना।